सो गाइज आज की वीडियो है MMT के बारे में, मैनुअल मसल टेस्टिंग। आप लोगों ने सुना ही होगा। सो ये मसल टेस्ट करने का तरीका होता है कि कोई मसल असल में कितनी स्ट्रांग है, वो कौन से ग्रेड पे है। तो बेसिकली ग्रेड्स 5 होते हैं, ग्रेड 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेड 5 में मसल सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस के अगेंस्ट काम कर पाती है, अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेड 4 में अगेंस्ट ग्रेविटी तो काम करती है मगर मिनिमल रेसिस्टेंस रहता है। ग्रेड 3 में अगेंस्ट ग्रेविटी मसल्स काम करती हैं और पूरा रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट कर पाती हैं। ग्रेड 2 में गाइस मसल्स क्योंकि वीक हो जाती हैं इसलिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना रहता है, तो उसमें ग्रेविटी एलिमिनेटेड एरिया में मसल्स पूरा काम करती हैं। और ग्रेड 1 में फिर अगर हम चेक करते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग को फ्रिकल कॉन्ट्रेक्शन मिलता है मगर मसल्स पूरा रेंज ऑफ मोशन में काम नहीं कर पाती हैं। तो मैं ट्रेपीजियस अपर मिडिल लोअर फाइबर्स के बारे में वीडियो बनाता हूँ, एंड लेट्स सी। सो गाइस हम चेक करने वाले हैं ट्रेपीजियस के अपर मिडिल और लोअर फाइबर्स। सिटिंग पोजीशन में ट्रेपीजियस के अपर फाइबर्स चेक होते हैं गाइस। तो मैं सबसे पहले ग्रेड 5 से चालू करूंगा, ग्रेड 5, 4, 3, 2, 1। तो ये देखिए ग्रेड 5 को चेक करने के लिए आपको पेशेंट को बोलना है कि वो अपने शोल्डर्स को शक करें या अपने एयर्स की तरफ शोल्डर्स को उठाएं। ठीक है, आप अपने शोल्डर्स को शक करिए गाइस। देखिए मैंने अपने दोनों हाथों से मैक्सिमम रेसिस्टेंस लगाया है, ये ग्रेड 5 है। ठीक है, नीचे कर लीजिए। ठीक है, वापस शोल्डर्स को शक करिए, कान की तरफ लेके जाइए। अब देखिए मैं मिनिमल रेसिस्टेंस लगा रहा हूं, ये ग्रेड 4 है। ठीक है, वापस नीचे कर लीजिए गाइस। अगर पेशेंट अगेंस्ट ग्रेविटी शोल्डर्स शक कर पा रहा है तो ये ग्रेड 3 है। ठीक है, शोल्डर्स को ऊपर उठाने की कोशिश करिए, कान की तरफ लेके जाइए। ये देखिए पेशेंट आराम से कर पा रहे हैं, यानी कि ये ग्रेड 3 पे है इनकी मसल्स। अब हम इसके ग्रेड 2 और ग्रेड 1 भी देख लेते हैं। सो गाइस ग्रेड 2 अपर फाइबर्स कैसे चेक करते हैं, पेशेंट पोजीशन रहेगी प्रोनेशन में और आपको पेशेंट से बोलना है कि वो अपने शोल्डर को शक करें ऐसे ही पोजीशन में जो कि ग्रेविटी इसमें नहीं लग रही है। तो आप अपने शोल्डर को ऊपर लेकर आइए। ये देखिए गाइस ये आराम से अपने शोल्डर को ऊपर लेकर आ रहे हैं, यानी कि ये ग्रेड 2 भी है। ग्रेड 1 में क्या होगा गाइस, हमको इनके जो मसल्स हैं ट्रेपीजियस अबव फाइबर्स उसको पालपेट करना है और इनसे बोलना है कि आप ऊपर अपने शोल्डर को शक करने की कोशिश करिए। तो मसल्स में हमको पालपेशन में ये फील होगा कि ये ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपर फाइबर्स के ग्रेड्स हैं, ग्रेड 5, 4, 3, 2, 1। सो गाइस ट्रेपीजियस मिडिल फाइबर की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेपीजियस मिडिल फाइबर्स को चेक करने के लिए आपको जो आपका एल्बो है वो पूरा का पूरा नीचे हैंग होता हुआ मिलना चाहिए। ये आप एज ऑफ द काउच के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये नीचे पूरा हैंग हो रहा है। इसके बाद आपको पेशेंट को बोलना है कि वो अपने हाथ को बिना फोल्ड किए हुए सीलिंग की तरफ यानी कि छत की तरफ उठाने की कोशिश करें। चलिए आप उठाने की कोशिश करिए। देखिए गाइस ये उठा पा रहे हैं। अब यहाँ से मैंने मैक्सिमम रेसिस्टेंस लगाया तो ये ग्रेड 5 है। ठीक है, वापस नीचे कर लीजिए। चलिए फिर से ऊपर उठाइए। अब देखिए मैं मिनिमल रेसिस्टेंस लगा रहा हूँ, ये ग्रेड 4 है गाइस। ठीक है, वापस नीचे कर लीजिए। अगर पेशेंट अगेंस्ट रेसिस्टेंस पूरा हाथ उठा पा रहे हैं तो ये ग्रेड 3 है। ठीक है, आप पूरा अपना हाथ उठाइए सीलिंग की तरफ ऊपर। ये देखिए बढ़िया, वापस नीचे कर लीजिए गाइस। ग्रेड 3 तक तो ये ठीक है। अगर ग्रेड 2 आपको चेक करनी है, आपको ये पता है कि वीक है बहुत मसल्स, तो फिर आपको हैंड को थोड़ा सपोर्ट करना रहता है और फिर आपको उनको बोलना होता है कि आप उठा के देखें और आपको फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन महसूस हो पाएंगे, जैसा कि अगर वो हाथ उठाने की कोशिश करेंगे। और अगर ग्रेड 1 है गाइस तो फिर आप पूरा एल्बो को सपोर्ट करके रखिए और आप उनसे जब बोलेंगे कि पीछे की तरफ आप करें तो आपको बहुत माइनर से कॉन्ट्रैक्शन फील हो पाएंगे। सो गाइस ग्रेड 3 को चेक करने के लिए आपकी पेशेंट पोजीशन प्रोन में रहेगी और आपको पेशेंट को बोलना है कि वो स्कैप्शन प्लेन में अपने हाथ को सीधा कर लें। लाइए ये हाथ सीधा कर लीजिए आपका। ये देखिए गाइस ट्रेपीजियस लोअर फाइबर्स जो रहते हैं वो हाथ को अपनी तरफ पीछे पुल भी करते हैं और साथ साथ में ऊपर की तरफ भी उठाते हैं। तो किसी किसी बुक्स में आपको लगेगा कि जैसे पेशेंट स्कैप्शन पोजीशन में हाथ उठाया हुआ है तो आपको नीचे की तरफ रेसिस्टेंस लगाना है, और किसी किसी पोजीशन में ऐसा रहेगा कि पेशेंट जब हाथ आप उसको यहाँ की तरफ रेसिस्टेंस देंगे तो पेशेंट अपने हाथ को टक करके पीछे लेकर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप अपने हाथ को पीछे ले जाने की कोशिश करिए थोड़ा सा। ये देखिए और ये मैं इनको मैक्सिमम रेसिस्टेंस लगा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करिए। बढ़िया, चलिए फिर से कोशिश करिए, पीछे लेके जाइए। हाँ बढ़िया, ठीक है रुक जाइए गाइस। इसके बाद अगर पेशेंट अपने हाथ को पीछे आराम से लेके जा पा रहे हैं तो ये ग्रेड 3 है। और उसके बाद अगर फिर आपको ग्रेड 2 ग्रेड 1 पे आना है तो फिर आप ट्रेपीजियस लोअर फाइबर्स को पकड़ के देख सकते हैं और आपको उसके अंदर फ्लिकर कॉन्ट्रेक्शन फील होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि कभी कभी रेसिस्टेंस भी आता है, तो रेसिस्टेंस हमको एल्बो से लगाना है क्योंकि यहाँ से ही पूरा का पूरा हमारा जो आर्म है सपोर्टेड रहेगा। तो आप इसको जैसे नीचे की तरफ लगाएंगे ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट ग्रेविटी।